जब हम ट्रेन या बस से होकर चंबल नदी के पुल से गुजरते हैं तो पुल के दोनों ओर बने मिट्टी के बड़े बड़े टीले मन मोह लेते हैं। ऐसा लगता है कि चलो अंदर जाकर देखें कि इनके अंदर क्या है। चंबल नदी के दोनों ओर जो मिट्टी के ऊंचे नीचे टीले बने हुए हैं उनको स्थानीय भाषा में भरके कहा जाता है। सामान्यतः इनकी बनावट ऐसी है कि बाहरी आदमी अगर इनके अंदर चला जाए तो रास्ता ही भूल जाएगा। वैसे तो इन भरकों के अंदर हिरण, नीलगाय, स्याह, लकड़बग्घा और जहरीले सांप सामान्य रूप से दिख जाते हैं। इन भरकों में सामान्यतः कटीले पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अगर आप संभल कर नहीं चले तो आपके हाथ पैर जख्मी भी हो सकते हैं। बरसात के समय यदि आप इन भरकों में अकेले घूमते हैं तो आपको डर लगना स्वाभाविक है। चंबल में ये टीले मिट्टी के बने होते हैं। बरसात में मिट्टी गीली हो जाने के कारण ये गिरने लगते हैं। यदि आप इन टीलों पर चढ़ने की कोशिश करते हैं तो फिसल कर गिरने का डर भी बना रहता है। हाँ, एक दूसरे की मदद से इन टीलों पर चढ़ा जा सकता है। इन भरकों को घूमने का सही समय अक्टूबर से मार्च यानी सर्दियों का है। इस समय इन भरकों में घूमना ऐसा लगता है जैसे हिमालय की वादियों में घूम रहे।